नमस्कार मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के सम्पादकी से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 70 की स्पीड में दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग अस्सी की स्पीड में लेने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से ज्वाइन करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां पर साठ हैंड टीम को सर्च करके भी आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट किसान संगठनों की और से भारत बंद का गैर जरूरी आयोजन यही बताता है कि किसान नेताओं ने ना तो अपने नाकाम चक्का जाम आंदोलन से कोई सबक सीखा और न ही रेल रोको आंदोलन से यह भी स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में मचाए गए उत्पात से भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा यदि किसान नेता यह समझ रहे हैं कि भारत बंद के नाम पर लोगों को तंग करने से उनके दम तोड़ते आंदोलन में जान आ जाएगी तो यह उनकी खुशफहमी ही है अब तो इस आंदोलन की निरर्थकता से आम किसान भी परिचित हो चुके हैं और इसलिए वे धरना प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कुल मिलाकर कुछ फुर्सती आंदोलनजीवी किस्म के लोग और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले ही इस आंदोलन को जैसे तैसे घसीट रहे हैं अब तो वे अपनी राजनीतिक दुकान चलाए रखने के लिए चुनाव वाले राज्यों में रैलियां भी कर रहे हैं भले ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी हो लेकिन सच यही है कि वे भी यह समझ चुके हैं कि इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं शायद इसलिए व्यापारी संगठनों ने भारत बंद से किनारा करना बेहतर समझा किसान नेता चाहे जो दावा करें सच यही है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन ने सबसे अधिक अहित किसानों का ही किया है यह बेमतलब का आंदोलन पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को बरगलाने उकसाने में अवश्य समर्थ हुआ लेकिन उसने इन राज्यों के किसानों के वक्त की बर्बादी ही की है तमाम किसान तो ऐसे रहे जो कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते अपने फल और सब्जियों की सही तरह बिक्री भी नहीं कर सकें विडंबना यह रही कि किसान नेता इसे किसानों के त्याग के तौर पर पेश करते रहें नए कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर उन्हें किसान विरोधी कहा जा सके ये कानून तो किसानों को उपज बिक्री के संबंध में एक और विकल्प देने वाले हैं यह हास्यास्पद है कि उपज बिक्री के मामले में विकल्पहीनता की पैरवी करने वाले खुद को किसानों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं किसानों को अपने ऐसे फर्जी हितैषियों से सावधान रहने की जरूरत है किसानों की दशा तब सुधरेगी जब वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे नए कृषि कानूनों का यही उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनने वाले किसान नेता आढ़तियों और बिचौलियों के तो शुभ चिंतक हो सकते हैं किसानों के नहीं स्टॉप दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग अस्सी की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पांच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का गैर जरूरी आयोजन यही बताता है कि किसान नेताओं ने ना तो अपने नाकाम चक्का जाम आंदोलन से कोई सबक सीखा और ना ही रेल रोको आंदोलन से यह भी स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में मचाए गए उत्पात से भी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा यदि किसान नेता यह समझ रहे हैं कि भारत बंद के नाम पर लोगों को तंग करने से उनके दम तोड़ते आंदोलन में जान आ जाएगी तो यह उनकी खुश ही है अब तो इस आंदोलन की निरर्थकता से आम किसान भी परिचित हो चुके हैं और इसलिए वे धरना प्रदर्शन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कुल मिलाकर कुछ फुर्सती आंदोलन जीवी किस्म के लोग और किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वाले ही इस आंदोलन को जैसे तैसे घसीट रहे हैं अब तो वे अपनी राजनीतिक दुकान चलाए रखने के लिए चुनाव वाले राज्यों में रैलियां भी कर रहे हैं भले ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी हो लेकिन सच यही है कि वे भी यह समझ चुके हैं कि इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं शायद इसलिए व्यापारी संगठनों ने भारत बंद से किनारा करना बेहतर समझा किसान नेता चाहे जो दावा करें सच यही है कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन ने सबसे अधिक अहित किसानों का ही किया है यह बेमतलब का आंदोलन पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को बरगलाने उकसाने में अवश्य समर्थ हुआ लेकिन उसने इन राज्यों के किसानों के वक्त की बर्बादी ही की है तमाम किसान तो ऐसे रहे जो कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते अपने फल और सब्जियों की सही तरह बिक्री भी नहीं कर सके यह रही कि किसान नेता इसे किसानों के त्याग के तौर पर पेश करते रहे नए कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर उन्हें किसान विरोधी कहा जा सके ये कानून तो किसानों को उपज बिक्री के संबंध में एक और विकल्प देने वाले हैं यह हास्यास्पद है कि उपज बिक्री के मामले में विकल्पहीनता की पैरवी करने वाले खुद को किसानों का हितैषी बताने में लगे हुए हैं किसानों को अपने ऐसे फर्जी हितैषियों से सावधान रहने की जरूरत है किसानों की दशा तब सुधरेगी जब वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे नए कृषि कानूनों का यही उद्देश्य है इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बनने वाले किसान नेता आढ़तियों और बिचौलियों के तो शुभ चिंतक हो सकते हैं किसानों के नहीं स्टॉप